दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जो एमएस पावर पॉइंट था उसमें हम जो आगे का टैब है उसको देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको डिजाइन टैब के बारे में बताया था और डिजाइन टैब के कुछ टूल्स बता दिए थे, जो कि टैब के अंदर जो भी चीज़ें थी वो सभी हम आपको बता चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको एमएस पावर पॉइंट जो है उसका आपको एनिमेशन टैब बताएंगे, जो कि डिजाइन टैब के बाद आता है। इस एनिमेशन टैब को बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि एमएस पावर पॉइंट को कैसे ओपन किया जाता है। ये होम टैब बता चुके हैं आपको, इंसर्ट टैब बता चुके हैं और डिजाइन टैब भी बता चुके हैं। यहाँ पे आपको ये वाले सभी ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि लगभग सभी सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिल जाते हैं। और इनके अंदर ये सभी जो बटन्स हैं, यानी कि जो भी मेनू है, इन सबको मैं बता चुका हूँ। मेनू के अंदर ये सब मेनू है, इनको भी मैं आपको बता चुका हूँ। मेनू के अंदर ये सब मेनू होते हैं, इनको भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इनका यूज कहाँ और कैसे किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट को ओपन करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, वो सभी तरीके मैं आपको बता चुका हूँ कि एमएस पावर पॉइंट को कैसे ओपन किया जाता है, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं एमएस पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए। एमएस पावर पॉइंट को रन कमांड से कैसे ओपन किया जाता है, एमएस पावर पॉइंट को सर्च करके, यहाँ पे और भी कितने तरीके हो सकते हैं इसको ओपन करने के, तो वो सभी तरीके मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अब इसमें डिजाइन टैब के बाद एनिमेशन टैब जो है, यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलता है। अगर आपको अभी भी और भी कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आप हमें कमेंट करिएगा तभी हमें समझ में आएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट करके अभी बता दीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको सीखना है और कौन से टैब में कौन कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, तो हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बना देंगे। चलिए आप जानते हैं एनिमेशन में, क्या क्या है यहाँ पर एनिमेशन टैब में, ये सभी चीज़ें हमें दे दी गई हैं, तो ये सभी देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एक एक करके इन सभी चीज़ों को हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, एक एक करके इन सबको हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैं कस्टम एनिमेशन पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ मैं जो है इसको डिलीट करने के बाद कुछ इमेज जो है मैं लेने वाला हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ डिलीट, और कुछ इमेज जो है मैं यहाँ पे इंसर्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये डिलीट करना होगा और मैं कोई इमेज जो है यहाँ से ले लेता हूँ। इंसर्ट पर जाने के बाद क्लिप आर्ट में मुझे मिल जाएगी, तो क्लिप आर्ट से मैं कोई इमेज ले लेता हूँ जहाँ पर मैंने यूट्यूब पहले से सर्च करके रखा है। मैं इसको गो कर दूंगा तो यूट्यूब का जो पेज है सर्चिंग जा रही है, सर्चिंग यानी हो रही है सर्चिंग, यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी नेट की जो स्पीड है कितनी है, आपका कंप्यूटर उस स्पीड के हिसाब से है कि नहीं है, तो ये यहाँ पे डिपेंड करेगा आपकी जो सी चीज़ें हैं वो उस हिसाब से। तो आप यहाँ पर जैसे मैंने ये सर्च करके रखी है और यहाँ पर मैं यूट्यूब का कोई लोगो दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कई सारे लोगो जो है लोड हो रहे हैं, तो मैं इनमें से किसी एक को ले लूँगा। और यहाँ पर दोस्तों लोडिंग चल रही है इस सॉफ्टवेयर की, तो ये थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम कर रहा है, तो चलिए अभी इसको थोड़ा सा वेट कर देते हैं, अभी ये अटक गया है। अब चलिए ठीक है, हम इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पर अपने देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारी पावर पॉइंट की जो यूट्यूब ने यूट्यूब की आइकन है वो कौन कौन से सर्च में आई हुई है। तो हम इनमें से किसी एक आइकन को जो है इंसर्ट कर लेंगे और इंसर्ट करने के बाद उसके साथ हम कुछ एनिमेशन लगाएंगे। एनिमेशन के बाद लगाने के बाद हम यहाँ पे ही देखेंगे एनिमेशन ये काम कैसे करता है। देखिए ये वाला जो यूट्यूब का जो लोगो है हमने डाउनलोड कर लिया है और डाउनलोड होने के बाद क्लिप आर्ट से यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं ऊपर नीचे भी ले जा सकता हूँ क्योंकि पावर पॉइंट में बनाया गया है और बहुत ही आसान है इसको ऐसा करना, आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं सेट कर दिया, अब इसको मैं थोड़ा सा एनिमेशन करने वाला हूँ। तो एनिमेशन क्या होता है, इधर उधर घुमाना फिराना, यही एनिमेशन होता है। और इसमें मैं कस्टम एनिमेशन पे जाता हूँ। कस्टम एनिमेशन में जाने के बाद सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ, ये चीज़ कैसे हटेगा, चलो इसको मैं बीच में कर देता हूँ। इसको मुझे हटाना है तो यहाँ से मैंने हटा दिया, ये तो जो क्लिप आर्ट है वो हट जाएगा। इसके बाद ऐड इफेक्ट करना है, ऐड में आप आना है इस पर क्लिक करने के बाद बॉक्स पे या किसी और पे। इसके बाद आप मोर इफेक्ट पे भी क्लिक करके यहाँ पे आप एनिमेशन देख सकते हैं कि कितनी सारी एनिमेशन दे रखी है। मैं डायमंड पर क्लिक कर देता हूँ, डायमंड की एनिमेशन कुछ इस तरह की होती है, आप देख सकते हैं प्ले करके डायमंड की एनिमेशन कुछ इस तरह की चलेगी। तो ये तो हो गया हमारा एनिमेशन करना। अब चलिए यहाँ पे एनिमेशन में ये प्रीव्यू और ये ऑप्शन जो है आ चुके हैं, पहले नहीं आए थे जब तक मैंने एनिमेशन को ऐड नहीं किया। देखिए मैं अगर इसको रिमूव कर दूँ तो ये ऑप्शन जो है चले जाएंगे, और इसी तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ जिससे ये वापस आ जाएगी एनिमेशन। अब यहाँ पर ये ऑप्शन जो है शो हो चुके हैं, अब पहले ये शो नहीं होते।
अब शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेड में भी मैंने एक एनिमेशन लगा सकते हो, आप नो एनिमेशन फेड में कस्टम कस्टम एनिमेशन भी लगा सकते हो, आप जो चाहो वो भी लगा सकते हो। यहाँ पर हम कस्टम एनिमेशन लगा रहे थे और यहाँ पर हमने कस्टम एनिमेशन जो था वो लगाया था। और इसके बाद आप अपना जो फेड है, वाइप है, ऑफलाइन है, ये जो एनिमेशन है ज़्यादातर यूज की जाती हैं, तो इसलिए इसने हमें सजेस्ट कर दिया एनिमेशन में जो कौन कौन से हम एनिमेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, चलिए हमें करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हमें इसने पहले एनिमेशन दे दी है कि आप इनमें से जो पॉपुलर हैं उनको एनिमेशन को लगा सकते हो, तो इनमें हमें लगाने नहीं है। हम सिंपल सा ये है, प्रीव्यू में आप करो तो यहाँ पे आपकी जो एनिमेशन है प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी, जो आप इस बटन से भी कर सकते हो कि किस तरह से वो प्ले होगी। उसके बाद आप एनिमेशन वाले सेक्शन में जाओगे तो एनिमेशन में आपको ये कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं, नो एनिमेशन यानी कोई एनिमेशन नहीं देनी है, फेड में कुछ इस तरह की एनिमेशन होती है, बाइप में कुछ इस तरह की एनिमेशन होती है, राई इनमें कुछ इस तरह की कस्टम एनिमेशन जो कि आप इस बटन से कर सकते हो, जो कि इसके अंदर भी दे दिया गया है। सेम चीज़ ओपन होगी जब आप कस्टम एनिमेशन पर क्लिक करोगे, यहाँ से जाने के बाद कस्टम एनिमेशन पर क्लिक करोगे तो सेम बॉक्स जो है यहाँ पे राइट जो राइट साइड में आ जाता है वही बॉक्स ओपन होने वाला है। यहाँ पे आप जब ऐड इफेक्ट पर क्लिक करोगे तो आप किसी भी इफेक्ट को यहाँ पर डाल सकते हो, क्योंकि डायमंड में मैंने क्लिक किया तो डायमंड में ही आएगा और डायमंड में ही जाएगा। देखिए यहाँ पे आने का जो इफेक्ट है वो भी डायमंड है और जाने का इफेक्ट है वो भी डायमंड ही है, तो यहाँ पे मैंने दोनों में डायमंड सेट कर रखा है, तो मैं एक को क्या है चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे रिमूव किया और एड इस पर क्लिक करने के बाद फिर से मैं इसी पे जाता हूँ तो एग्जिट पे, और यहाँ पे मोर इफेक्ट पे आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे, आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रेड भी है, फ्लैट भी है और फोर्ड भी है, तो यहाँ पे कई तरह की जो चीज़ें हैं लाइट साइड और स्पीड यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे लगा सकते हो। उम्मीद है कि आपको प्रीव्यू और एनिमेशन कस्टम एनिमेशन समझ में आ चुका होगा। इसके बाद आपकी जो स्लाइड है उस स्लाइड की पूरे की एनिमेशन क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। आपको शायद इतने देखने को मिले, ये वाले इतने होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं ट्रांजिशन कहते हैं, ये ट्रांजेक्शन यहाँ से देखने को मिल जाता है, जब आप इस पर क्लिक करो तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो मैं थोड़ा सा कुछ स्लो कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे जाए। देखिए हमने स्लो पर कर दिया है, तो स्लो में कुछ इस तरह की हो रही है और इसमें कुछ इस तरह की है, और फिर इसके बाद हमारा एनिमेशन है जो तो कि चलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो एनिमेशन मुझे अच्छा लगा है, एक एनिमेशन देख देता हूँ कि चलो इसको ले लेता हूँ, ये भाई जो एनिमेशन है हमने ले रखी है और इसको हम चल प्ले करके देख लेते हैं कि किस तरह से प्ले होगी। ये भाई जो स्लाइड है स्लाइड सबसे पहले प्ले होगी, उसके बाद ये एनिमेशन प्ले होगा, उसके बाद ये वाला प्ले होगा, इस तरह से हमारी जो एनिमेशन है वो प्ले हो रही है। इसके बाद आपने ट्रांजेक्शन समझ लिया है कि ट्रांजेक्शन क्या होता है, उसके बाद हम आपको बताते रहते हैं ट्रांजेक्शन के बाद क्या होगा। तो ट्रांजेक्शन के बाद आता है ट्रांजेक्शन का साउंड, जब आप इसको प्ले करो तो इसमें कोई साउंड प्ले होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यानी कि एक साइड से दूसरी साइड पर जब जाए ये पिक्चर यहाँ पे आपकी जो एनिमेशन है वो जाए एक साइड से दूसरी साइड पे, तो कोई ट्रांजेक्शन में साउंड इफेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वही चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो जो कि आपको एमएस पावर पॉइंट खुद देता है। यहाँ पे आपकी एमएस पावर पॉइंट की जो साउंड है वही देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आप अदर साउंड पर क्लिक करने के बाद अपना खुद का साउंड भी डाल सकते हैं, तो ये हमें डालने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि फोटो होते हैं, वीडियो होती हैं, फोटो होते हैं उसमें गाने प्ले हो जाते हैं, उसी तरह से ये है, इसमें आप गाना भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे गाना जो है ट्रांजिशन होने के बाद यहाँ पे गाना जो है लगभग छोटी सी एक बीप होती है, जो छोटा सा एक साउंड होता है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैमरे का साउंड था, ये बॉम का, ये क्लिक का, ये रेजर का, देखिए कई सारे साउंड है यहाँ पे जो कि मैंने आपको एक एक करके यूज करके दिखा दिए हैं कि किस तरह से यूज होते हैं, स्पीड आपको यहाँ से मैंने बता दी है, और अप्लाई टू का ऑल का मतलब होता है कि आप ये जो एक ही चीज़ है ट्रांजेक्शन या जो ट्रांजेक्शन है इसको आप ये सभी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जो साउंड है वो सभी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, और जो स्लो है यानी स्पीड है वो सभी के लिए सेट करना चाहते हो। तो जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये तीनों चीज़ें अपने आप एक साथ सभी पे हो जाएंगी, जैसे अगर मैं इसको
डुप्लीकेट करता हूँ या न्यू स्लाइड देता हूँ तो इस पे अभी वही चीज़ अप्लाई हो जाएगी। देखिए अभी तो नो साउंड है और फास्ट है, जब मैं इसको अप्लाई और पे क्लिक करूँगा तो यहाँ इसके बाद जब मैं नई स्लाइड दूंगा तो आप देख पाओ कि उस पे अभी सेम चीज़ अप्लाई होके आएगी। देखिए जो थी ये थी जो हमने अभी ली है नंबर 3 की, जो कि पहले से सब कुछ सेट है, और ये थी जो हमने बिना सेट किए हुए ली थी। तो यहाँ पर आपको दोनों में फ़र्क देखने को मिल गया होगा। अप्लाई टू ऑल पे किया तो यहाँ पे ये सभी भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो अप्लाई टू ऑल कर दूँ तो फिर ये सेम जो चीज़ें हैं हट जाएंगी। अब यहाँ पे आपको एडवांस ये वाला ऑप्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, इसमें आपको ट्रांजेक्शन भी समझ में आ चुका होगा। ट्रांजेक्शन में आप देख पाएंगे कि इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। उसके बाद ट्रांजेक्शन का साउंड समझ में आ चुका होगा कि मैं किस साउंड की बात कर रहा हूँ। ट्रांजेक्शन का स्पीड समझ में आ चुकी होगी कि स्पीड क्या होती है, यहाँ पे आप फास्ट और स्लो करके मीडियम करके देख सकते हैं। उसके बाद एडवांस साइड में आपको देखने को मिलता है, जब आप उस स्लाइड शो में क्लिक करेंगे यहाँ पे F5 दबाएंगे तो आपको फुल स्क्रीन पे देखने को मिलती है। लेकिन फुल स्क्रीन में जब आप माउस से क्लिक करोगे तब होती है, या फिर आपको जब कीबोर्ड से माउस से क्लिक करोगे तब होगी, या फिर कीबोर्ड से आप स्पेस का बटन या फिर कोई अन्य बटन दबाओगे तब होगी। अब यहाँ पे आप क्या है कि आप ऑटोमेटिक पे सेट करके यहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर दो, आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं वो टाइमिंग, जैसे ही आप यहाँ पे दोगे तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ भी दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ अपने आप ही हो जाएगा। तो आप ऐसा भी यहाँ से कर सकते हैं कि ऑन क्लिक माउस क्लिक से रन होगा या फिर बिना माउस के रन हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरी फ्रीज स्पीड है, ये सब कुछ जो है अभी एक साथ चल रहा है, सभी एनिमेशन जो है एक साथ प्ले हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको F5 के साथ करूँ तो मुझे स्पेस यहाँ पे माउस से क्लिक करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टाइम दे दूँ और टाइम के बाद आप देखोगे कि जो स्लाइड है एक साइड से दूसरी साइड पे अपने आप ही आ जाऊँगा। तो ये सभी ऑप्शन आपको क्या देखने को मिलते हैं एम एस पावर पॉइंट के न्यू एनिमेशन टैब में देखने को मिलते हैं। अगर कोई ऑप्शन और भी बाकी रह गया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताना, हम उस टॉपिक के लिए आपके लिए वीडियो बना देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक